राष्ट्र के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगा है। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका गया। कोतवाली फरखाबाद के लाल गेट पर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के समाज व राष्ट्र के खिलाफ बहुत से कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे पालघर में साधुओं की हत्या पर चुप्पी साधने का मामला हो या फिर सुशांत राजपूत मर्डर केस में सबूत मिटाने की कोशिश, महाराष्ट्र सरकार ने सभी सीमाओं को लांघते हुए राष्ट्रवादी बेटी कंगना राउत, जो कि उनके अत्याचार के खिलाफ प्रखर आवाज में बोल रही थी, उनकी आवाज को दबाने के लिए ऑफिस को ढाया गया, जिसका कर्णी सेना ने विरोध जताते हुए उद्धव ठाकरे और संजय राउत का पुतला फूंका। गैर प्रांतों में गांजे की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को एसओजी प्रभारी व कोतवाल मोहम्मदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान ने मामले का खुलासा करते हुए स्वाट टीम प्रभारी व पुलिस की पीठ थपथपाई, साथ ही तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एसओजी प्रभारी जयप्रकाश शर्मा व कोतवाल मोहम्मदाबाद राकेश सिंह ने अपनी टीमों के साथ धीरपुर चौराहे पर पास घेराबंदी कर तीन लोगों को ट्रक कंटेनर समेत गिरफ्तार किया। ट्रक की तलाशी में एक क्विंटल 4 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ और वहीं पुलिस पूछताछ में अन्य लोगों के नाम भी सामने आए जिनकी तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि वांछित अपराधी अखंड प्रताप व रिजवान निवासी गोटिया खेड़ा माल की सप्लाई करते हैं। उनके बाद वो लोग गैर प्रांतों में गांजा सप्लाई करते हैं। शासन के निर्देश पे कई प्रमुख अभियान चल रहे हैं, जिसमें एक मादक पदार्थों की तस्करी तैयारी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान है। इस अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयाँ पहली हुई हैं और इसी क्रम में आज फिर सूचना मिली कि कुछ तस्कर मादक पदार्थ लेकर के जो उड़ीसा से चलकर यहाँ से होते हुए वो इसे गाजियाबाद तक ले जाकर सप्लाई करेंगे। इस जानकारी पर हमारी जनपद की टीम, विशेषकर उसमें इंस्पेक्टर मोहम्मदाबाद राकेश कुमार और जयप्रकाश शर्मा जो कि एसओजी प्रभारी हैं, ये इनकी पूरी टीम और सर्विलांस के लोग ये सारे इसमें लगातार लगे रहे और अंत में ये धीरपुर चौराहे के पास से एक ट्रक समेत तीन तस्करों को इन्होंने पकड़ पाने में